हे दोस्तों, आज हम आपको अपनी वीडियो में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के टॉप 10 गैंगस्टर के बारे में बताने वाले हैं। अगर वीडियो में कोई नाम छूट जाए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब हम इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए नामों को ज़रूर शामिल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर और देखते हैं टॉप 10 गैंगस्टर। नंबर दस पर दोस्तों इस लिस्ट में नाम आता है कुख्यात अपराधी सुनील राठी का। सुनील राठी बागपत के टीकरी का रहने वाला है। सुनील राठी ने अपराध की दुनिया में कदम अपने पिता की हत्या के बाद रखा है। सुनील राठी पर हत्या, रंगदारी और कई अन्य धाराओं में संगीन मामले दर्ज हैं। सुनील राठी का कोप पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बहुत ऊंचे लेवल पर है। सुनील राठी का नाम सुर्खियों में जब आया जब उसने जेल में बंद अपराधी मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी। सुनील राठी फिलहाल बागपत जेल में सजा काट रहा है। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में नंबर 9 पर जो नाम आता है उसका नाम है सुंदर भाटी नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कुख्यात अपराधी हैं, जिस पर रंगदारी, लूट, हत्या व हत्या के प्रयास के 45 से भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। यूपी पुलिस की खासी कोशिश के बाद 2014 को सुंदर भाटी को गिरफ्तार कर लिया गया था। सुंदर भाटी अपने कुछ साथियों के साथ अपने गांव गगोला में परिवार वालों से मिलने आया था, लेकिन गांव से बाहर निकलते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तभी से सुंदर भाटी जेल में रहते हुए अपना गिरोह चला रहा है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 8 पर नाम आता है हिस्ट्री शीटर अनिल दुजाना का। अनिल दुजाना दुजाना गांव का रहने वाला है। अनिल दुजाना अपराध की दुनिया में कब आया गांव के लोगों को यह पता मीडिया से ही लगा। ग्रामीणों का कहना है कुछ माह पूर्व अनिल दुजाना के छोटे भाई की हत्या कर दी गई थी। तब से उनका परिवार गांव छोड़कर जा चुका है। अनिल दुजाना पर हत्या, रंगदारी व हत्या के प्रयास के दर्जनों मामले संगीन धाराओं में दर्ज हैं। अनिल दुजाना हाल ही में बादलपुर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान अनिल दुजाना के शार्प शूटर बबलू निवासी दुजाना को गिरफ्तार किया था। उसने खुलासा किया कि अनिल दुजाना बांदा जेल से अपना गिरोह चला रहा है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 7 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर सतेंद्र बरवाला का। दोस्तों, आपको बता दें कि बरवाला एक गांव है जिसका निवासी है सतेंद्र बरवाला। सतेंद्र बरवाला पर रंगदारी, जबरन वसूली, हत्या तथा हत्या के प्रयास के कई संगीन आपराधिक धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल सतेंद्र बरवाला पुलिस कस्टडी में सजा काट रहा है। बरवाला गांव के जिला पंचायत सदस्य धीरेंद्र को सतेंद्र से जान का खतरा था। इस कारण भी सतेंद्र बरवाला को मुजफ्फरनगर से दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया है। फिलहाल सतेंद्र बरवाला बलिया जेल में सजा काट रहा है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 6 पर नाम आता है संजीव जीवा का। संजीव जीवा उर्फ संजीव महेश्वरी मुजफ्फरनगर के मोहल्ला प्रेमपुरी का निवासी रहा है। उसने यहाँ पर डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर का काम भी किया था। पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से वह अपराध की दुनिया में बड़ा नाम है और गाजीपुर के मुख्तार अंसारी व मुन्ना बजरंगी का भी वह साथी रहा है। संजीव जीवा उर्फ संजीव महेश्वरी पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली सहित कई राज्यों में आतंक का पर्याय बन चुका है। वह शामली के थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव आदमपुर का रहने वाला है। उसके ऊपर कई थानों में गंभीर धाराओं में लगभग 22 मुकदमे दर्ज हैं। संजीव जीवा इस समय लखनऊ जेल में बंद है। दोस्तों, इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है विपुल खूनी का। 50,000 के इनामी बदमाश विपुल खूनी का। विपुल खूनी कांदला थाना क्षेत्र के गांव भमीसा निवासी बदमाश विपुल उर्फ खूनी पुत्र नेतपाल का निवासी है। एसपी के मुताबिक विपुल खूनी बैंक डकैती, रंगदारी, हत्या
आदि संगीन वारदातों को अंजाम दे चुका है। विपुल पर कई आपराधिक धाराओं में अंजाम देने में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। विपुल खूनी पुलिस हिरासत में है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है 50,000 के इनामी बदमाश भूपेंद्र बफर का। भूपेंद्र बफर मेरठ के जानी थाना क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर इनामी बदमाश भूपेंद्र बफर को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। एक लोकल केबल के मैनेजर पवित्र मात्रे की 13 अप्रैल को ही हत्या के बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस पर दबाव काफ़ी बढ़ गया था। उसे मेरठ जेल में रखा गया था। भूपेंद्र बफर पर हत्या के प्रयास एवं रंगदारी के ढेर सारे मामले संगीन धाराओं में दर्ज हैं, लेकिन मेरठ जिला जेल में हुए बवाल के बाद उसे गोरखपुर की जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है सुनील मूछ का। सुशील मूछ मुजफ्फरनगर जिले के गांव मथेडी का रहने वाला है। सुशील मूछ उत्तर प्रदेश का वो सरगना है जिसका नाम के खौफ से बड़े अफसर भी मिनटों में सारा काम कर देता था। वहीं सुशील मूछ का खौफ ऐसा था कि सरकार ने भी सालों पहले उसके ऊपर 1,00,000 का इनाम घोषित कर रखा था। वैसे सुशील मूछ के खौफ के बाजार को साल 2012 में एसटीएफ की टीम ने लगभग ख़त्म कर दिया था। सुशील मूछ पर रंगदारी वसूली अपहरण के दर्जनों मामले संगीन धाराओं में दर्ज हैं। फिलहाल सुशील मूछ जमानत पर रिहा है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है कुख्यात बदमाश योगेंद्र बदोड़ा का। योगेश बदोड़ा मेरठ जिले के बदोड़ा गांव का रहने वाला है। योगेश बदोड़ा पर हत्या, रंगदारी, लूट और कई अपराधों में 2 दर्जन से भी अधिक संगीन धाराओं में आपराधिक मामले दर्ज हैं। योगेश बदोड़ा का नाम सुर्खियों में जब आया था, जब योगेश बदोड़ा के भाई प्रमोद बदोड़ा की उधम सिंह ने हत्या कर दी थी। उसी समय योगेश बदोड़ा और उधम सिंह में गैंगवार शुरू हो गई थी और दोनों ओर से कई दर्जन लाशें गिरा दी गई थी। योगेश बदोड़ा को बरेली से गिरफ्तार कर लिया गया है और योगेश बदोड़ा जेल में सजा काट रहा है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है कुख्यात बदमाश उधम सिंह का। उधम सिंह मेरठ जिले के सदरपुर थाने के करणवाल गांव का रहने वाला है। उस पर सुपारी लेने, लोगों की हत्या, रंगदारी अपहरण कर रुपए वसूलने, जमीन कब्जाने के 3 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके गिरोह में नए उम्र के लड़के शामिल हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि करीब 7 माह पूर्व प्रशासनिक आधार पर मेरठ से आजमगढ़ जिले में स्थानांतरण होकर आया है। आजमगढ़ जिला जेल में आत्महत्या का प्रयास किया बताया जा रहा है, जबकि पुलिस ने दावा किया है कि पुलिस की सख्ती से परेशान होकर उधम सिंह ऐसे नाटक करता रहता है। उधम सिंह फिलहाल जेल काट रहा है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और देखते रहें रोशन।